आज मैं बना रही हूँ आलू के भुजिया। तो सबसे पहले सारा आलू धोकर प्लेट में निकाल लिए थे, फिर ये छिलकर सारा छिलका हटा लूँगी। सारा आलू छिलका हटाने के बाद इसको छिलका को साइड में रख देंगे। फिर डब्बू में पानी लेकर सारा आलू को धो लेंगे। अच्छे से धोने के बाद फिर सारा आलू को बाहर निकाल लेंगे। फिर पतला पतला स्लाइस में आलू को कट कर लेंगे बिल्कुल इस तरह से, और सारा आलू कट करके पानी में डाल देंगे। फिर पानी में अच्छे से धोएंगे। फिर धोने के बाद सारा आलू को प्लेट में निकाल लेंगे। जो गंदे पानी थे उनको फेंक दिए हम, और फिर आलू को साइड में कर लेंगे। आलू को एक साइड में कर दिए हैं कि उसका पानी निकल जाए। इधर हरी मिर्च काट रहे हैं, और हरी मिर्च काट ली, अब देखिए साइड में आलू का पानी निकल गया है, तो इसको भी मैं हटा लूँगी। अब इसमें नमक ऐड कर रहे हैं, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, ये सबको अच्छे से मिला लेंगे हम। इधर कढ़ाई में जीरा और सरसों का तेल डाल दिए थे, कढ़ाई हो गया था गरम, और देखिए हरी मिर्च तड़क गई। फिर ऊपर से आलू का भुंजिया डाल दिए। अब इसको 2-3 मिनट चलाने के बाद मैं ढक दी। फिर हटाएं तो देखिए मेरा आलू का भुंजिया से हो गया है, लेकिन और 2-3 मिनट के लिए ढकने पड़ेगा। 2-3 मिनट बाद फिर हटाकर देखे तो देखिए मेरे आलू का भुंजिया बिल्कुल सही से पक गया है। अब इसको प्लेट में हम निकाल लेंगे। इस तरह से भुंजिया बनाइए, हर चीज़ के साथ अच्छा लगता है। दाल चावल पूरी पराठे रोटी सबके साथ अच्छा लगती है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें।